खरगोन शहर के बस स्टैंड पर मंगलवार की सुबह अचानक से अफरा तफरी मच गई। मामला था एक चार्टर्ड बस में अचानक लगी आग का। गनीमत रही कि आगजनी के दौरान बस में कोई भी सवारी मौजूद नहीं थी। वहीं सुबह का वक्त होने से चहल पहल भी कम थी। मिली जानकारी अनुसार खरगोन से इंदौर चलने वाली चार्टर्ड यात्री बस से सुबह करीब 5:30 बजे अचानक धुआं उठने के बाद आग की लपटें उठने लगी। परिसर में मौजूद चौकीदार की नजर पड़ने पर आग की सूचना दी गई, जिसके बाद फायर के वाहन पहुंचने पर आग बुझाई गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वाहन में एक ही द्वार था, कोई इमरजेंसी द्वार नहीं था। यदि सवारी होती या रास्ते में आग लगती तो जनहानि हो सकती थी। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। मैं गिरीश राठौर खरगोन से। सवेरे घटना यह हुई कि इसमें 5:40 पर आग लग गई और भगदड़ मच गई थी और 5 बसें यहाँ खड़ी थी, उनको वापस भगाया। और इसमें डबल फाटक गेट भी नहीं है, वो आकाश में था इमरजेंसी गेट, वो खुलता भी नहीं तो पैसेंजर कहाँ से निकलते। और अगर ये हादसा अगर रास्ते में जलती तो क्या होता, बड़ा हादसा होता। फिर अभी कोई जनहानि नहीं हुई, अभी कोई जनहानि नहीं हुई। वो तो अगर पैसेंजर बैठ जाते तो फिर जनहानि बहुत बड़ी हो जाती। क्या नाम है आपका? गिरीश राठौर। तो सुबह गाड़ी जैसे चाबी स्विच ऑन किया गाड़ी साफ करने के लिए, वैसे उसमें धुआं निकला तो कंडक्टर घबरा के पानी की बाल्टी लेके ना उसको आग बुझाने के लिए चले गया। कितनी सवारी बैठी थी? सवारी कोई सवारी नहीं थी। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? खरगोन से इंदौर। कब की घटना है? सुबह 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 की घटना। कोई जनहानि तो नहीं हुई? कोई जनहानि। कारण क्या लग रहा है? कारण क्या नहीं, शॉर्ट सर्किट सब हुआ है सर। नहीं तो आग फिर क्या पूरे ज़्यादा पकड़ ली थी क्या? ज़्यादा आग कहीं नहीं थी सर, वो यहाँ से धुआं निकला और थोड़ी सी आग लगी, वैसे बुझाने गए तो। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो मेरे को नहीं पता सर कितना हुआ। लगभग अब सर वो तो डेंटर का काम है, डेंटर बता सकता है। अपन ने कहीं डेंटर का काम थोड़ी करा कर उसमें कितना खर्चा हो सकता है। खाली गाड़ी जा रही थी? खाली गाड़ी तो गाड़ी तो खाली थी सर, उतनी भगत की सवारी थोड़ी नहीं है कोई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद। इमरजेंसी गेट नहीं है इसमें? क्या घटना हुई? ये सवेरे 6 बजे की घटना है, चार्टर्ड बस में जो है कि नहीं फॉल्ट होने के कारण इसमें आग लग चुकी थी। बस स्टैंड पर जो है कि नहीं अपने बस स्टैंड पे वो रहता है क्या बोलते हैं चपड़ासी, उसने देखा कि बस में आग लगी है तो कुछ फिर लोग लपक कर आए और फिर फायर ब्रिगेड को मतलब खबर करी। कितना नुकसान हो गया? इसमें नुकसान तो करीबन समझ लो कि 4-1 लाख रुपये का नुकसान होगा। क्या कारण क्या? कारण अपने इसमें चाबी स्विच चालू करा उसमें 60 सर्किट हुआ, वायरिंग फॉल्ट हुई, उससे एक गाड़ी में आग लग गई। कोई सवारी नहीं थी? जनहानि नहीं थी? नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई इसमें, कोई सवारी नहीं थी। अन्य लोग भी, अन्य बसें भी नहीं, तो किस प्रकार से बचाव किया? इसको जो है कि नहीं हमने यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद फायर ब्रिगेड आई, फायर ब्रिगेड ने मतलब जो है उसको आग बुझाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।